हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिफेक्सिम साल्ट की एक टैबलेट के बारे में जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे इसी वीडियो में और इसके डोजेस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिफेक्सिम साल्ट की टैबलेट। ये देख सकते हैं, इसमें आपको जो साल्ट कॉम्पोजिशन ड्रग जो फॉर्मूला मिलता है वो सिफेक्सिम है, मतलब कि जो इसके अंदर आपको दवाई मिलती है। ओके, तो इसमें आपको मिलती है 50 mg। तो जैसे कि आपके बच्चे 5 साल से लेकर 12 साल तक के अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको इसको दे सकते हैं। और जैसे कि आपके बच्चों को फोड़ा, फुंसी, दांत, खाज, खुजली होना या ऐसा कहीं, जैसे कि ये देखिए मेरे चोट लगी, मैं एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे ये मेरे चोट लगी, अगर मैं सिफेक्सिम नहीं लेता, मेरे लिए तो मतलब मैं तो ज़्यादा डोज में लूँगा जैसे कि जो यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। मैं मतलब कि मैं अडल्ट हूँ तो मैं ज़्यादा लूँगा। तो अगर मैं चोट लगती है, मैंने एक सिफेक्सिम खा ली थी तो यहाँ पर पूरे एरिया में कहीं पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ, मतलब कि ये पका नहीं। अगर आप इसको नहीं देंगे अपने बच्चों को तो आपके ऐसा हो सकता है उनकी चोट पक सकती है, उसमें मवाद पड़ सकता है, वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप एक सिफेक्सिम टैबलेट दे दीजिए, उनका घाव को भी वो सुखा देगा और मतलब कि उनके घाव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ने से भी रोकेगा, मतलब नहीं होने देगा। ओके, तो अगर आपके बच्चों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, फोड़ा फुंसी है या दांत काज खुजली हो गए हैं और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कट पिट गए हैं कहीं से आपके बच्चे, तो आप इसको दे सकते हैं अपने बच्चों को। और फ्रेंड्स, इसके हम डोजेस की बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसके डोजेस किस तरीके से लेने चाहिए। तो इसके जो डोजेज़ हैं वो लेने हैं सुबह और शाम, एक टैबलेट सुबह देनी है और एक टैबलेट आपको शाम को देनी है। ओके, तो आपके बच्चों को ऐसी कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक।